देखो, हमारा जो इससे पहले का जो बिंदु था, इससे पहले का जो बिंदु था वो था संविधान, संविधान के प्रावधान, स्रोत। स्रोतों के बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे, संविधान की अनुसूची। संविधान की मूल रूप से कितनी अनुसूची, दोबारा बोलो। अरे कितनी रे, जोश के साथ, कितनी कितनी और जोड़ी गई, कितनी जोड़ी गई रे, कितनी हो गई? अरे कितनी, मूल रूप से कितनी, वर्तमान में कितनी, नवीन कितनी? साथियों बात करते हैं, चार को बाद में जोड़ा गया था, तो बताओ पहली को कब जोड़ा गया रे, 1951 में। दूसरी को कब जोड़ा गया बताओ, तीसरी को कब जोड़ा गया, और चौथी को भी कब जोड़ा गया बताओ, 92 में। ठीक है, ये इस तरीके से चलती है। अब अगर मैं बात करूं तो आपकी 12 अनुसूचियों की वर्तमान में बात की जाती है, और वो भी सेकेंडों में। 12 अनुसूची सेकेंडों में आपकी जवान पे, केवल और केवल आपको केवल इतना याद रखना है। अरे भैया क्या याद रखना है, संघ राज्य में वेतन भत्ता साथ ग्रहण करो। अरे संघ राज्य में वेतन भत्ता साथ ग्रहण करो। जनशस्ती, अगर मैं बात करूं कहां पे है, राजशस्ती जन क्षेत्र में। दोबारा से बोलते हैं, संघ राज्य में वेतन भत्ता साथ ग्रहण करो, राजशस्ती जन क्षेत्र में, सभा संघ दलबदल पंचनगर में। पूरी 12 अनुसूची 10 सेकंड में, कितनी सेकंड में, 10 सेकंड, देख लो, काउंट कर लो। संघ राज्य में वेतन भत्ता साथ ग्रहण करो, राजशस्ती जन क्षेत्र में, सभा संघ दल बदल पंचनगर में। 10 सेकंड भी नहीं होती है, पूरी 12 अनुसूची देखिए, ऑपरेशन करते हैं। बोलो यहाँ पे बात करेंगे, संघ राज्य में वेतन भत्ता साथ ग्रहण करो। पहली लाइन, संघ राज्य का मतलब होता है भैया संघ में राज्यों का उल्लेख, कौन सी अनुसूची में बताओ, एक में। संघ का मतलब होता है संघ शासित प्रदेश, राज्य का मतलब राज्य। संघ शासित प्रदेशों की वर्तमान में संख्या बोलो रे कितनी है बताओ, 8। राज्यों की संख्या कितनी है बताओ, 28। ठीक है, तो पहली अनुसूची में वेतन भत्ते का मतलब होता है साथियों, जितने भी संवैधानिक अधिकारी होते हैं उनको वेतन भत्ते का जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में बोलो। दूसरी में, सात ग्रहण का मतलब होता है भैया शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में रे, कौन सी में बताओ, तीसरी में है। ध्यान देना, तीसरी में मैं बात करता हूं, आगे अगर मैं बात करता हूं राज्य से बनता है साथियों, चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अरे राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में बताओ। उसके बाद सुनो, इसका ऑपरेशन करते हैं, से बन जाएगा एस, सी से बन जाएगा सी, ते से बन जाएगा टी। बताइए एस सी तथा एस टी की सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में बताओ। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में बताओ, पांचवी में है। कौन सी में बताओ, पांचवी में है। जन क्षेत्र का मतलब है साथियों की चार जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख बताऊंगा मैं आगे, कौन सी अनुसूची में मिलता है बताओ, पांचवी में, सॉरी छठी में। कौन सी मिलता है बताओ, छठी में मिलता है। उसके बाद आप देखिए से आप देखेंगे तीसरे नंबर की जो लाइन है वो क्या बोल रही है, सभा संघ दल बदल पंचनगर में, सभा संघ दल बदल पंचनगर में। से आपको याद रखना है सूचियां, सूचियों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में बताओ, सातवीं में। तो सातवीं अनुसूची को सूचियों की भी सूची कहा जाता है, क्योंकि सातवीं सूची में चार तीन अन्य सूचियों का उल्लेख मिलता है। तो से सूचियां हो गई, और भाषा क्या बनेगा भैया, भाषाओं का उल्लेख, और भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में बताओ, आठवीं में मिलता है। संघ से बन जाता है साथियों संपत्ति या भूमि अधिग्रहण, कौन सी अनुसूची में बताओ, नवी में है। और दल बदल से क्या बनता है साथियों, दल बदल संबंधी जितने भी प्रावधान है उनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में, दसवीं में है। और पंच से बन जाएगा पंचायती राज, कौन सी अनुसूची में बताओ, ग्यारहवीं में। और नगर से बन जाएगा साथियों नगर पालिका संबंधी जितने भी प्रावधान है उनका उल्लेख किस में मिलता है, 12वीं में। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी 12 अनुसूची आपकी जेब में है, मात्र 10 सेकंड के अंदर अंदर आप पूरी अनुसूची बोल सकते हैं। बोलो तो दिखाने, एक साथ बोल सकते हो क्या बताओ, बोल के बताओ एक साथ 10 सेकंड से कम समय में, बोलो। आवाज नहीं आई पीछे, आवाज नहीं आ रही, हाथ मिला के मत बैठ, बोल। ज्यादा टाइम लगा रहे, जल्दी बोलो एक बार और। अरे संघ राज्य में वेतन भत्ता, राजशस्ती जन क्षेत्र में, अरे राजशस्ती, सभा संघ दल बदल, अरे सभा संघ दल बदल। जय हिंद जय भारत। बोलो क्या खत्म हो गई आपकी पूरी अनुसूची, खत्म हो गई पूरी 12 अनुसूची खत्म। आगे भी पढ़ोगे क्या आप बताओ, आगे आप इनका बहुत बढ़िया डिटेल से ऑपरेशन करेंगे, केस में किनका उल्लेख मिलता है, कौन कौन से राज्य है,
वेतन भत्ते इनमें उल्लेख की बात करेंगे भैया कौन कौन से ऐसे अधिकारी है जिनको वेतन भत्ता इसी के तहत मिलता है, शपथ ग्रहण में कौन से जो पदाधिकारी है किसको कौन शपथ दिलाता है, वो सारी बात यहाँ देख लेंगे। ठीक है, राज्यसभा की सीटों में यहाँ पे अपन देख लेंगे चार राज्यों की जिनकी ज्यादा से कम की ओर सीटों का आवंटन है, एससी एसटी की बात कर लेंगे, चार जनजाति क्षेत्रों की बात कर लेंगे, सूचियों की बात कर लेंगे कि भैया कौन कौन सी सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, कौन कौन सी विषय है, खास खास विषयों की, भाषाओं की बात कर लेंगे कि भैया 14 मूल भाषाएं थी, आगे कौन कौन सी कब कब जोड़ी गई थी उनकी बात कर लेंगे, संपत्ति के अधिग्रहण दल बदल की बात कर लेंगे, राजीव गांधी के समय महत्वपूर्ण ये महत्वपूर्ण योगदान की बात कर लेंगे, और 11वीं और 12वीं की सबकी अपन नेक्स्ट अगले एपिसोड में बात करेंगे। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे पूरी आपकी